हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टी टू इंडिया स्टडी में और मैं भोला कुमार। दोस्तों आज लेके फिर से आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे का 3200 सेट वाला। और मैंने कुछ वीडियो में पहले बता रखे कुछ क्वेश्चन, जो नहीं देखे हो जाके प्लेलिस्ट में मेरा देख सकते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें अब तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो चलिए इजी है तो देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/10 साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, इसका रिवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट को करते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों की भागा यानी डिवाइडेड है, अगर कुछ नहीं तो एक है दोस्तों। चलिए कुछ नहीं तो एक है तो इसको करना क्या है, अगर हम लोग यहाँ डिवाइड देखते हैं उसको मल्टीपल लाने के लिए यानी कि गुना में लाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर करते हैं, ऊपर वाला नीचे लिखते हैं कि नहीं, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो इसको करेंगे क्या, ऊपर ले जाएंगे एक को और कॉस को थीटा में ले सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आ गया क्या सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा मेरा, 1/ cos गुना करेंगे कितना हो जाएगा, cos 2 आ गया ना, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अब मेरा आंसर यही हो गया। अब आपको देखना दोस्तों आंसर में किस रूप में दिया गया है, 1/ cos स्क्वायर थीटा दिया गया है या किस किस रूप में दिया। 1/ cos को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका रिवर्स होता है दोस्तों। दोनों में दोनों आंसर है, आपको ऑप्शन देखना है किस रूप में दिया गया है इसको, या फिर इसको बदल कर दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ में आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको चलिए देखते हैं इसको क्या करें, इसको ए माइनस जब ऐसा किसते हैं दोस्तों, माइनस टू स्क्वायर है ना, माइनस स्क्वायर, तो माइनस को हटाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं कुछ नहीं तो बटे हम लोग कर सकते हैं। तो एक ऊपर चल जाएगा तो एक पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को हटाइए, माइनस को हटाने के लिए दोस्तों करना क्या होता है, रिवर्स करना होता, क्या करना होता है, रिवर्स करना देना। तो इसको रिवर्स करके तो माइनस मेरा हट गया, कुछ नहीं तो होता तो एट होता है बटे में वन, तो उसको वन ऊपर चला गया और जो ऊपर है नीचे आ गया, माइनस खत्म हो गया। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस वन, अगर ये भागा है तो भागा को हम बटे में भी लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको भी लिख सकते हैं बटे में, इसको तो लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं तो ये कर सकते हैं। तो आप देखिए ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव के रूप में आ गया। अगर इसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेगा इसका मेरा, इसका हम अगर ले लेंगे तो ए स्क्वायर मेरा आ जाएगा इसका एलसीएम। अब ए स्क्वायर इसको मेरा खत्म हो गया था, क्या बच गया दोस्तों, वन बच गया। अब ए गुना ए स्क्वायर क्या करेंगे, एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर करेंगे इसको क्या करेंगे तो माइनस ही ए स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इस को सॉल्व करने पर मेरा ये आ गया, अब बटे में क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस वन। अब इसको क्या करते, कुछ नहीं तो इसको भी बटे में हम ये कर सकते हैं। अब हो गया चार डिवाइड, मतलब ये होता है दोस्तों कि वन माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुना इसको ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ लफड़ा ये है कि देखिए अगर इसमें भी वन माइनस स्क्वायर रहता है, अगर यहाँ क्या है यानी कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको करना कुछ नहीं, दोस्तों करना क्या है, इसको वन ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुना एक बार फिर से लिख देता हूं पहले समझने के लिए दोनों, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब बाहर, तो यहाँ मेरा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ माइनस क्या करेगा, यहाँ हो जाएगा मेरा राइट वन माइनस ए स्क्वायर राइट, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं या फिर इवला यहाँ रहता मतलब प्लस रहते कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा अच्छा लगे ताकि समझ भी आ गया कि हाँ सेम आ गया कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मेरा ए स्क्वायर रहता। ठीक है, माइनस में और प्लस में बात एक ही होता है, यहाँ माइनस में स्क्वायर है, माइनस में स्क्वायर है, प्लस में यहाँ छुपा हुआ रहता है यहाँ प्लस है, ये भी कर सकते थे लेकिन यहाँ समझने के लिए जो भी है सेम उसको वहां लिख दिए। तो अब करना क्या, देखिए अब इवला इवला मिल गया, ये भी मिल गया, अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो वन बचा ना, अब करेंगे क्या, ऊपर में वन बचा नीचे में ए स्क्वायर बचा। ठीक है, अभी माइनस वन है ना, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस यहाँ लिखे चाहिए लिखे,
तो मेरा दोस्तों क्या जाएगा वो माइनस वन बटे ए स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, फिर से पॉज करके वीडियो, ताकि और समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है, कैलकुलेशन है। 50 करोड़ मांगते हैं कि सिंपल तो नहीं है दोस्तों, यहाँ अगर 49 पता हमें होता है तो उसको क्या करते हैं वर्गमूल साथ निकाल लेते हैं। अगर यहाँ कुछ भी 16 रहता है इसका वर्गमूल क्या है, लेकिन वैसा नहीं है तो उसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा संख्या सोचे कि 50 को वर्गमूल हो जाते सीधा यही लिख देते हैं, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, लिख देते समझ में और आएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 50 को दोस्तों, तो 50 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना दो 50 गुना 100, और यहाँ पर 50 सॉरी 25 गुना 50 हो गया। अब इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग 9 × 18, ऐसा संख्या तोड़ रहे दोस्तों कि एक का वर्ग जो है ना वर्ग निकले, वैसा संख्या गुना करना, वैसा संख्या लेके चले, जैसे 25 गुना 50, 25 क्यों लिखे, क्योंकि 25 जो है एक वर्ग निकल जाएगा, इसका 9 भी निकल जाएगा। और इसका भी अगर सोचते हैं दोस्तों तो इसका नहीं निकलता, तो क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 8 लिख सकते हैं दोस्तों, 4 का भी वर्ग निकल जाएगा। चलिए अब इतना समय में आ गया दोस्तों, तो 25 का वर्गमूल कितना आता होगा, 5 हो गया दोस्तों। अब इसका रूट 2 तो अंदर में रह गया ना, जो रह गया तो उसको अंदर में रख देते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकला तो कहां से निकलेंगे, रूट को बाहर कहां करेंगे, तो जो रह गया उसी को रहने देते हैं रूट में। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो गया दोस्तों। अब 2 का तो कोई वर्गमूल है नहीं, तो इसको क्या रूट में रख देते हैं, क्योंकि रूट से बाहर आया नहीं, 9 आ गया क्या बन गया, आ गया रूट टूट के आया है। अब माइनस, अब 4 रूट का वर्गमूल कितना, 4 को तो पहले 2 लिख सकते हैं ना, और एक 2 जो रह गया ये बला देखिए बला, तो इसको क्या बना देंगे, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं है। अब चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 × 3 = 8 हुआ दोस्तों, 8 में और 2 को यहाँ माइनस मतलब घटाना होता है ना, 8 में 2 घटा देंगे कितना 6 हो गया, लिख लिया अंक में, रूट से बाहर वाला काम कर लिया, रूट से बाहर वाला काम कर लिया, 5 × 3 = 8, 8 में माइनस 2 गया कितना हो गया 6, अब रूट का अंदर वाला काम कर लेंगे, तब बस रूट रूट 2 है ये, कोई दिक्कत है थोड़े ना, रूट 2 लिख दीजिए ना, मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आता है, ये सब क्वेश्चन सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते थे, लेकिन मैं भी बता दिया, चलिए अच्छा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक सम चतुर्भुज दिया, उसको दोनों को विकर्ण दिया है दोस्तों, उसका फॉर्मूला हो जाएगा जितने भी विकर्ण है ना उसको गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बस एक सम चतुर्भुज दिया गया दोस्तों, ठीक है, सम चतुर्भुज दिया गया मेरा कितना, बस 8 × 6 दिया गया विकर्ण, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है, सम चतुर्भुज का फॉर्मूला भी जितना विकर्ण उसको गुना करके बाई 2 कर देना है, ठीक है दोस्तों, इसमें तो 2 ही विकर्ण रहेंगे, तो इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 × 8 = 6 × 24 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ट था, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 24 वर्ग मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है दोस्तों, यदि रीना 12 मोबाइल फोन जो है 1,88,160 रुपए में बेचती है, तो जिनका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 14,056 प्रति फोन है, यानी कि 14 रुपए प्रति फोन है दोस्तों, तो बोल रहा है कि उसका कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस इसमें जितने भी, बस इसमें करना क्या दोस्तों, बोल रहा है कि 12 मोबाइल फोन जो है ना 1,88,160 रुपए बेचती है, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, एसपी सीधा लिख लेते हैं दोस्तों, एसपी मेरा हो गया 1,88,160 रुपया एसपी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है दोस्तों, बोल रहा है कि 12 मोबाइल जो है ना, 12 मोबाइल यानी कि जिनका क्रय मूल्य मेरा कितना है, यानी कि बोल रहा है कि जिनका क्रय मूल्य बेचती है कितना, 14,056 रुपए प्रति फोन है, यानी कि जो है 12 फोन तो है मेरा, 12 मोबाइल एक फोन का कितना है दोस्तों, एक फोन का दाम मेरा कितना है 14,056, ये एक फोन का हो गया दोस्तों, तो मेरा 12 फोन का मेरा कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे तो ये पता चल जाएगा मेरा सीपी बराबर हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 672, ठीक है,
उसके बाद सेवन हो जाएगा, सेवन सिक्स एट सिक्सटीन, ठीक है दोस्तों, इतना गुना करने पर मेरा इतना आ जाएगा। ये मेरा क्या निकला दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकला, यानी कि क्रय मूल्य। और हम बेच रहे थे कितना दोस्तों, 188,160 रुपए में। अब मेरा जो है कितना, तो कॉस्ट प्राइस 168,672। तो मेरा ऑफिसली पता चल रहा है कि दोस्तों लाभ हो रहा है। हम बेचे थे कितना में, 188,160 में, और हम खरीदे थे कितना, 168,672 रुपए में। तो इसको हम लोग घटा देंगे ना, सीधा पता चल जाएगा कि मेरा लाभ हो जाएगा। सीधा तो लाभ होती ही रहा, तो लाभ बराबर मेरा हो जाएगा 188,160 में। अगर हम घटा देंगे 168,672, तो लगभग मेरा आ जाएगा, जब 10 में 2 गया 8, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मेरा इतना लाभ हुआ दोस्तों। ठीक है, क्या प्रॉफिट हो गया मेरा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है दोस्तों, राम और रवि एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितना, 680 मीटर दूरी पर, 680 मीटर दूरी पर खड़े हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है, शुरू करता है। ठीक है, सिर्फ इसमें मेन पॉइंट पकड़ना दोस्तों, एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर मतलब इधर से भी और इधर से आ रहा है, यानी कि एक दूसरे को, यानी कि जो है ना, जितना भी है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और तीन मीटर कितना, 4, जितना भी जुट जाएगा, तो 8 मीटर है प्लस 9 मीटर है, कितना हो जाएगा इसका, तो उसी का जोड़ लेंगे फटाफट में। अगर बोलता है विपरीत एक ही दिशा में दोस्तों, तो एक ही दिशा में बोलता इसका क्या होगा, दोनों घट जाता। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर बोले या फिर विपरीत की ओर बोले, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करना है, मैंने कितना समय दे दिया है दोस्तों, 8 मीटर प्लस 9 मीटर। ठीक है, तो 8 और 16 17 कटल में कितना हो गया दोस्तों, 17 सेकंड प्रति सेकंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ करना नहीं है, अब समय पता चल गया दोस्तों, तो बोल रहा है कि कितने समय के बाद आपस मिलेंगे, तो समय पूछ रहा है दोस्तों, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, ये तो मेरा प्रति सेकंड चल रहा है प्रति सेकंड। ठीक है, तो 680 बटे कितना हो गया, 17 चौके 68, 40 मेरा जो आ गया दोस्तों, मेरा कितना आ जाएगा, 40 सेकंड आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो मेरा प्रति मीटर था, ये तो चाल था मेरा, ये चाल था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये मेरा समय आ गया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो दूरी मेरा इतना है, दूरी है, समय हम चाल भागा देंगे, डिवाइड देंगे, तो मेरा 40 सेकंड इस समय आ गया। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ में अच्छा सा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा होगा, बोर्ड में लिख दिए हैं, तो कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करना है दोस्तों। पहले जानते हैं कि हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, इसको गुना में तोड़ेंगे ना, 3 × 6 = 7, 7 × 3 माइनस 2 × 1 = 2, और ऊपर है वही जोड़ रहे हैं, 2 × 2 = 3। क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुना करते हैं और प्लस जो है ऊपर में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3/2। चलिए इसको ब्रैकेट में देते हैं, जो सेम है उसको लिख दीजिए अभी फिलहाल, 3/5 प्लस इसको भी तोड़ दीजिए, 2 × 5 = 5, और 5 कितना हो गया, 7/5 भागा 3 × 6 कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, पहले इसका काम करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला है। ठीक है, 3 × 6, ठीक है, 3 × 6 2 × 7 = 14 माइनस 2 × 6 = 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे दोस्तों, ताकि आप लोग समझ में आता हो। ठीक है, चलिए नहीं तो हम शॉर्ट में भी कर सकते थे इसको, लेकिन आपको समझने के लिए ये आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, कि भागा है तो उसको एक स्टेप और भागा गया, इसको पलटा देते तो गुना में अच्छे हो जाते, आप लोग इसे जानते होंगे। चलिए इसको भी कर दिए, अब इसको 14 × 9 किया, कितना बचा दोस्तों, 9 × 5 = 14, तो 5/6 इसको आ गया। अब ऑफ मतलब होता है क्या दोस्तों, गुना, क्या होता है, गुना, तो गुना में 3/5 करेंगे और प्लस 7/5 गुना 3/7, इतना लंबा कर रहे हैं इससे दोस्तों आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, क्या सोल्व करते हैं, 5/5 बता के 3 × 6 हो गया, अब ऊपर में 1 बचा, 1/2 प्लस 7/7 खत्म हो गया, 3/5। अब देखिए छोटा फॉर्मेट हो गया, यानी कि भीड़ का जोड़ के रूप में आ गया दोस्तों। अब इसको करना क्या है, इसको एलसीएम लेना है। ठीक है, 5 × 10 हो गया एलसीएम,
फिर क्या करेंगे इसको दुपन जेतु दुपन जे दस पांच में हो गया। चलिए अब इसको भी करेंगे पांच में दस तीन दुना छ, तो ऑब्वियसली पता चल गया छह पांच ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह बटे दस मेरा आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन इसको पूर्णांक अगर लिख सकते हैं तो एक पूर्णांक एक बटे दस भी लिख सकते हैं। तो आपको देखना है दोस्तों आंसर किस प्रकार दिया है, पूर्णांक में दिया है या फिर आपको बटे में दिया है फ्रैक्शन में। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ समझ में आता होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 78 ठीक है, 78 आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखता होगा दोस्तों। तो चलिए आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात मेरा कितना दिया दोस्तों, 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात और 13 ठीक है। तो बोल रहा है दोस्तों तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए, सबसे बड़ा कोण दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का चारों कोणों का योग हम रहा होता है 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज का अगर यही बात करता तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो चलिए उसी प्रकार से पता चल गया कि मेरा चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको क्या करेंगे, सबको अनुपात को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, या फिर अनुपात को हम एक्स मान भी सकते हैं दोस्तों, नहीं मान सकते हैं ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जोड़िए मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा दोस्तों, और 22 और 8 कितना हो गया मेरा 30 हो गया, यानी कि 30 ठीक है जोड़े ठीक जोड़े ना, 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया दोस्तों, 22 और 8 कितना हो गया 30। तो 30 अनुपात का मान मेरा कितना हो गया दोस्तों 360 कहां है दोस्तों, एक चतुर्भुज का चारों कोणों का मान होता है मेरा 360 डिग्री, तो वही लिए 360 डिग्री ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा यहाँ कितना 3 × 3 × 6 यानी कि मेरा एक का मान मेरा कितना आएगा दोस्तों 12। अब एक का मान हमको निकल गया, तो एक का मान जब निकल गया दोस्तों तो मेरा पूछ रहा क्वेश्चन बोला कि मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन, ठीक है सबसे बड़ा कौन इसमें से देखना दोस्तों, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है दोस्तों 13 दिख रहा है यानी कि 13 दिख रहा है, तो बस 13 × 12 करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों ठीक है। तो इसको गुना करेंगे बढ़ती है 36 हाथ में बच के कितना 3 और 12 × 12 कितना है दोस्तों 15 यानी कि एक कोण का यानी कि सबसे बड़ा कोण का मान कितना हो गया दोस्तों 156। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन में मजा आता होगा, जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए दोस्तों कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह पढ़ाते चलूंगा दोस्तों ठीक है। तो चलिए और हाँ ये सेट नहीं बल्कि आने वाले समय में सारा बुक को भी कम्प्लीट कराएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस ये मतलब अर्थमेटिक कमर्शियल और एडवांस भी कराएंगे दोस्तों। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं सेट को लिया हूँ क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए डायरेक्ट सेट से बता रहा हूँ, जो पढ़ रहे होंगे उसको समझ में जरूर आता होगा अच्छा से, और जो प्रॉब्लम अभी स्टार्ट किए हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए मेरे वीडियो में जुड़े रहें तो अच्छा रहेगा, तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 ठीक है दोस्तों, 79 बोल रहा है कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक अभाज्य संख्या है तो x और इनकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, यानी कि दोस्तों एक अभाज्य संख्या सीधा आप लोग जान लीजिए दोस्तों, एक अभाज्य संख्या अगर गुना करेंगे ना तो डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम निकल जाएगा ठीक है। तो एक क्रमिक संख्या सीधा बात फिर से समझ लीजिए, एक अभाज्य संख्या मान लेंगे 3 है, अभाज्य संख्या जो अपने आप कटे दोस्तों संख्या, लेकिन दो एक ऐसी संख्या है, तो एक ऐसी संख्या जो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है ठीक है। कोई भी मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या 3 ले लिए और एक 5 ले लिए, इसका अगर मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ दोनों को गुणा कर देंगे ना 5 या 15 ये मेरा एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि दो अभाज्य संख्या को गुणा करें तो मेरा एलसीएम निकलना तय है ठीक है, समझ में आता होगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन दो कर्मी, तो कर्मी मतलब मान लें कि संख्या है वो एक्स है दोस्तों और दूसरा एक्स प्लस 1 उसकी तरफ बढ़ते चलेगा दोस्तों ठीक है। तो अब एक संख्या एक्स है एक्स प्लस 1 है, तो दोनों अभाज्य संख्या दोस्तों अभी क्या बताए हैं, दो अभाज्य संख्या को अगर गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो यही वही तो बात यहाँ आ गया दोस्तों कि दो संख्या मेरा एक्स है और एक्स प्लस 1 है, तो इसको गुना करेंगे सीधा एक्स और एक्स प्लस 1 तो मेरा आंसर आ गया दोस्तों ठीक है। मजा आता होगा दोस्तों, तो मजा आता होगा दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लाइक किए हैं और सॉरी जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि और मजा आएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेगा। हाँ जरूर एक बार लाइक कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला जो है ना आपके विरुद्ध अच्छा हो, ताकि और वीडियो आप लोग के लिए बनाए ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 मजेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों।
बोल रहा है कि दोस्तों स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सेमी उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए स्मिता काम कर सकती है 12 दिन में दोस्तों, और सेमी सेमी जो है दोस्तों कितना दिन में कर सकता है दोस्तों, 9 दिन में। ठीक है, तो दोनों को पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन दोस्तों, एलसीएम निकालें तो मेरा 36 आ जाएगा, उसको भागा देंगे हम, कितना वर्क दिया 36, 9 चौके 36। ठीक है, इतना करने पर आ गया। अब बोल रहा है कि दोस्तों कि 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद, ठीक है, 4 दिन साथ में काम किया, यानी कि ये 36 में जो 3 काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, टोटल काम मेरा 7 काम हो जाएगा दोस्तों, और 4 दिन तक मिलकर कर रहा है तो 7 चौके 28 काम कर लेगा, यानी कि 30 काम टोटल था दोस्तों, इसमें 28 काम कर लिया। तो बोल रहा तो मेरा शेष काम कितना बचा दोस्तों, 28 8 कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेष काम मेरा कितना बच गया दोस्तों, शेष काम मेरा बच गया 8। ठीक है, तो वही तो बोल रहा है कि एक साथ काम करने के बदले दोनों छोड़ देते हैं, तो काम कितना हिस्सा बाकी रहा, हिस्सा कितना बाकी रहा दोस्तों, यही तो हमारे यहाँ पॉइंट है। तो 8 तो मेरा बाकी रहा दोस्तों, और टोटल काम मेरा कितना था, 36 था, तो बस 8 बटे टोटल काम 36, यही तो मेरा हिस्सा बचा, क्योंकि बचल के सभी बांट देंगे दोस्तों, बाकी बात तो 28 निकल गया मेरा। अगर बोलता कितना हिस्सा काम हुआ तो 28 से डिवाइड करते, अगर नहीं बोला कि कितना बचा हिस्सा, तो जो शेष बचा उससे से क्या करेंगे, जो टोटल काम से भाग देंगे। अब इसको भाग देंगे कितना जाएगा, 4 × 8 = 36, तो 2/9 मेरा काम जो है दोस्तों शेष बचा। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को मैं यही बिता लेता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो कर ले, और शेयर भी कर दें ताकि अदर स्टूडेंट को भी थोड़ा हेल्प मिल सके दोस्तों, और इसी प्रकार से प्यार देते रहें। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर सकता हूं, तो आप लोग का इजाजत दीजिए, तो मैं यही करूंगा और आप लोग को इजाजत ही है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है यहीं अंत करता हूँ, इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।